हेलो व्यूअर्स, दोस्तों कैसे हैं यार आप लोग। आज की जो वीडियो है ना यार, वो आपके और मेरे साल 2023 को बहुत ही जबरदस्त बनाने वाली है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैं अपनी बात कुछ इस तरह शुरू करूंगा कि मिसाल के तौर पर, बड़ी ही खूबसूरत मिसाल है यार, जरा गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर आपको आउट ऑफ कंट्री सफर करना होगा, आप एक एयरलाइन टिकट बुक करते हैं, बड़ा ही महंगा टिकट बुक करते हैं आप, और एयरलाइन के बताए हुए वक्त और डेट के मुताबिक आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, आप बोर्डिंग कराते हैं, आपको एक बोर्डिंग पास इश्यू होता है, उसके अंदर आपको आपका सीट नंबर मिलता है, आप जहाज में आके बैठते हैं तो जहाज पैसेंजर से भरा हुआ है, ऐसा लगा होता है यू आर द लास्ट पैसेंजर ऑन दैट ट्रेन। देन आप अपनी सीट पर पहुंचते हैं, आप सीट पर क्या देखते हैं कि खूबसूरत सी लड़की उस सीट पर बैठी है। आपकी विश तो ये होती है कि मैं इस लड़की को अपनी सीट से ना उठाऊं। ऑफ कोर्स बाद गुडविल की बात भी आ जाएगी, लेकिन क्या करें, आपकी मजबूरी है क्योंकि आसपास कोई सीट नजर नहीं आती, तो आप उस लड़की को कहते हैं कि बड़ा मेहरबानी मेरी सीट को छोड़ो। और हैरत अंगेज तौर पर जो आपका जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि मैं आपकी सीट नहीं छोड़ूंगा। फिर आप क्या, तो क्या आप जहाज से नीचे उतर जाएंगे या वापस घर चलेंगे? चलो यार, बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरी सीट पर बैठ गई है, चलो कुर्बानी दे। और ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे मेरे भाई, बल्कि आप स्टाफ को बुलाएंगे, स्टीवर्ड को, एयर होस्टेस को बुलाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि मुझे मेरी सीट खाली करके दें, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो सीट मिले। आपके विश नहीं है ये, आपके विश तो जहाज में ट्रेवल करना है, लेकिन वो सीट आपकी एक्सपेक्टेशन है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा यार, उस सीट पर बैठना आपके विश नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। सिमिलरली यार, मुझे जॉब करनी है, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, मेरी विश है यार, मेरी विश है कि मैं अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं और मेरे आगे पीछे नौकर हूं और मैं इतना पैसा कमाऊं जिसकी कोई इंतहा ना रहे। बहुत अच्छी विश है यार, लेकिन इसके लिए आपको जो एफर्ट करनी पड़ती है, जो आपको प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ते हैं, वो हम यूज नहीं करते। विश रखना बहुत आसान है यार, एक्सपेक्टेशंस को मीट करना सबसे मुश्किल काम है। और जब ये एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाती है ना, तो ये रियलिटी के नाम होता है। तो दोस्तों, हम लोग जिंदगी में ना यार बहुत ज्यादा विशेष रखते हैं, मेरे नंबर अच्छे आ जाए एग्जाम में, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाना लग जाऊं, मेरे कोई ऐसी जॉब लग जाए, ठाट बाट हो जाए मेरी, मैंने जो स्टार्टअप किया है उसमें मुझे फायदा हो जाए। लेकिन यार, हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के लिए ना आपको बहुत जद्दोजहद, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट है ना यार, एक स्टूडेंट कहता है कि यार मेरा जीपी अच्छा हो जाए किसी तरह, उसके लिए उसको अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छी पढ़ाई करनी है, अपना वक्त लगाना है, उसको एफर्ट करनी है, तब जाके वो एक्सपेक्ट करता है अच्छे मार्क्स और फिर वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो व्यूअर्स, आज तैयार करो यार कि अपने विशेष को रखो, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस को मीट करो। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारी विशेष तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी अपने आप से हरगिज़ नहीं होती, क्योंकि हम उस पोजीशन पर कभी आ ही नहीं पाते जिस पोजीशन पर हम उसको एक रियलिटी की शक्ल दें। मेरे लिए भी एप्लीकेबल है बॉस, और आपके लिए भी, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखें, नया साल आ रहा है, हमने जो गलतियां पिछले सालों में की हैं, हो सकता है कि अगर हम जनवरी से ही सब चीजें शुरू कर दें तो 6 से 7 महीने में हमें वो आउटपुट मिल जाए जिसके हम मुंतजर हैं। सिर्फ एक मरतबा दोस्तों, सिर्फ एक मरतबा अपनी लिस्ट बनाए, अपने विशेष की लिस्ट बनाए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं उन विशेष को अपने एक्सपेक्टेशंस में क्रिएट करने के, ताकि फिर वो कल को रियलिटी की शक्ल दे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यार कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। स्टे ट्यून विद मी और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।